देश में कोरोना महामारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन देश के अलग अलग कोने से इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी से मौत तो कहीं इलाज के अभाव में दम तोड़ती जिंदगी। वहीं महामारी की रोकथाम में लगे लॉकडाउन से लोगों में जीवन यापन करने की चिंता, यह भी कहीं ना कहीं एक संकट है। ये पुलिस के रवैये से परेशान होकर इस गरीब लड़के ने ये इस बेचारे लड़के का पिता भी नहीं है और ये पूरा नाराज होकर ये अपने घर को जा रहा है और ये मधुसूदन चौहान जो है इन्होंने लट बजाया मेरे आंखों के सामने देखते हैं और मैं कार्रवाई की मांग करता हूँ। प्रदेश भर में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। लोगों को अपनी जिंदगी जीने के लिए अपना व्यापार व्यवसाय करना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं किस तरह से इंसान जिंदगी जीने की जंग लड़ रहा है। हम लोग एक तरह से जंग में हैं। हर तरफ कोरोना वायरस का कहर है। ऐसे में शासन को चाहिए कि वह गाइडलाइन जारी कर सब्जी वालों को और अन्य जरूरत की चीज बेचने वालों को फेस शील्ड विद मास्क अनिवार्य कर दे। यदि हाथ में ग्लव्स रहेगा, चेहरे पर फेस शील्ड होगी, तो वायरस फैलने का अंदेशा शायद कम हो जाएगा। समस्त देश के कलेक्टरों से हम निवेदन करते हैं, फेस शील्ड मास्क ग्लव्स के साथ दुकानों को खोलने की परमिशन दी जाए। जिस तरह से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है, हमें भी उसी तरह से लड़ना होगा जब तक पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हो जाता। एक बार फिर निवेदन करते हैं, फेस शील्ड और ग्लव्स मास्क के साथ अनिवार्य कर दिया जाए, जिससे संक्रमण फैलने से भी रुके और लोगों के व्यापार व्यवसाय शुरू हो सके, ताकि लोगों के सामने जो जीवन यापन करने का संकट है वो खत्म हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।